जय जोहार, जोहार रायपुर मा सब्बो दर्शक मन के स्वागत हे। मैं हूं बबीता। अब बढ़थन खबर मंडहा। सबले पहली देखथन खबर के सुर्खी मल्ला। दत्तक ग्रहण कार्यक्रम मा होइस कार्यशाला आयोजन, कानूनी प्रावधान मन पर होइस विस्तार ले चर्चा। राजधानी मा पुलिस परिवार मन हा करिस आंदोलन, छावनी मा तब्दील राजधानी मा पुलिस हा करिस गिरफ्तार। आउ भाजपा पार्षद मन हा करिस निगम मुख्यालय के घेराव, स्वच्छता रैंकिंग मा पिछड़े ले नाराज है पार्षद हा। अब खबर विस्तार मा। राजधानी मा महिला बाल विकास विभाग कोती ले दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के आयोजन करेगीस, जेमा जिला बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के भूमिका ऊपर प्रकाश डालिस। और संगे मा कार्यशाला मा पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण कानूनी प्रक्रिया, विशेष जरूरत और शारीरिक और मानसिक तौर मा अक्षम लड़का मन के दत्तक ग्रहण के बारे मा विस्तार ले चर्चा करेगीस। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू दत्तक ग्रहण कार्यक्रम ऊपर आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ करेस। एक कार्यशाला के आयोजन केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कोती ले संयुक्त रूप ले करेगीस। श्रीमती रमशीला साहू हा कार्यशाला मा आए प्रतिभागी मन ला संबोधित करत हुए कहेस कि सब्बो लइका मन के हक है कि ओमन ला अपन घर और परिवार मिले। फिर कई घाव परिस्थिति वश लइका मन अधिकार ले वंचित रह जाते और लइका मन के अधिकार दिलाना हमन के कर्तव्य है। वह कहेस कि दत्तक ग्रहण कार्यक्रम जरूरतमंद, परित्यक्त और अनाथ लइका मन ला ओखर खुद के घर दिलाए और मन ला बेहतर पारिवारिक माहौल दे बर विकास करे के अवसर दे के पुण्य उद्देश्य ले लेके संचालित करे जाते। ये एक गंभीर और संवेदनशील विषय है और एखर बर एखर बारीकी ला समझना बहुत जरूरी है। वह कहेस के वह प्रतिभागी मन ले यही आशा करते कि मन हा कार्यशाला में बताए जात सबो कानूनी प्रावधान ला पूरा सजगता के संग सुनही। महिला और बाल विकास विभाग के सचिव डॉक्टर एम गीता हा कहेस के दत्तक ग्रहण की जटिलता ला दूर करे के उद्देश्य ले एक कार्यशाला आयोजित करेगे है। कार्यक्रम में प्रतिभागी मन ला दत्तक ग्रहण कार्यक्रम ले जुड़े कानूनी प्रावधान जैसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत दत्तक ग्रहण और अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 के प्रावधान के बारे में विस्तार ले बताई जाए। बाल संरक्षण की बात अगर कहें, छत्तीसगढ़ राज्य ने जितने भी प्रयास किया है उसको राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहा गया है। और आज की खबर यह है कि अब दत्तक ग्रहण के जो समिति है, स्टीयरिंग कमेटी, उसमें भी छत्तीसगढ़ को नामांकित किया गया है। ये गौरव की बात है। ये नामांकन इसलिए हुआ क्योंकि राज्य ने अच्छा काम किया है बाल संरक्षण के क्षेत्र में, लेकिन इस कार्य को और सुदृढ़ करें और संस्थागत देखरेख से बच्चों को गैर संस्थागत देखरेख में ले जाएं और परिवार और समाज के साथ जोड़कर उनका सुरक्षा और उनकी प्रगति सुनिश्चित करें। इस उद्देश्य के साथ आज की चर्चा हम लोगों ने आयोजित की है। हम हर एक राज्य में ट्रेनिंग कराते हैं और ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं एडॉप्शन के विषय में। हमारा नया जेजे एक्ट 2015 लागू हुआ है, उसके बाद एडॉप्शन रेगुलेशन 2017 में लागू हुआ है। उसके बाद से हम केंद्र सरकार की ओर से हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं राज्य सरकार, और जैसा देखा गया है कि छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छा कह कर रही है, वो बाकी राज्यों से थोड़ी बेहतर की है इस चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स में। और ICPS के तहत एडॉप्शन जो है एक नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर का बड़ा इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है। इसमें हम बच्चों का रिहैबिलिटेशन परिवार के साथ लीगली करते हैं, तो इसका जो प्रक्रिया है ये समझना ग्राउंड जमीनी लेवल पे जो लोग काम करते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गए, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन यूनिट हो गई, DMs हो गए वहाँ के, देन स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी हो गई, इन सब का महत्वपूर्ण रोल है जो उनको समझना और उसका निर्वाहन करना अनिवार्य होता है, तो इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण कानूनी प्रक्रिया, विशेष जरूरत या शारीरिक और मानसिक तौर में अक्षम लइका मन के दत्तक ग्रहण के बारे में विस्तार ले चर्चा करेगी। अबे देखना हो ही कि कार्यक्रम के लाभ कितना परिवार ला मिल पाते। देश टीवी पर कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट।
कचरा कलेक्शन करे बर अब नगर निगम ह सख्त हो गए हे। 30 वार्ड मन के कचरा ला इकट्ठा नहीं होए ले नाराज निगम ह रामकी कंपनी के कचरा इकट्ठा करे के काम ला रोके के फैसला ले हे और प्लांट शुरू नहीं होए तक राशि मा घलो बढ़ोतरी नहीं करे के बात करिस। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करे बर नगर निगम कोती ले अनुबंधित हैदराबाद के रामकी कंपनी ला भुगतान नहीं करे गे हे। जब तक वह पहली चरण में 30 वाट के 100% घर के कचरा ला कलेक्शन नहीं करके दिखाई तब तक ओला भुगतान नहीं करे जाए। निगम ला प्रति टन कचरा पर 675 रुपया भुगतान करना है जबकि सकरी में प्रोसेसिंग प्लांट लगे के बाद 950 रुपया दे जाते। 17 अप्रैल ले रामकी हा 3 जोन के 30 वार्ड मा काम शुरू करे है। फिर ओखर मन के ये काम ला न तो निगम के अफसर मन संतुष्ट है और न ही पार्षद मन हा। मेयर के मानबो त बैठक ला लेके रामकी के अफसर मन ला फटकार लगाइस और 4 दिन मा व्यवस्था ला दुरुस्त करे के आदेश घलो देगीस। निश्चित रूप से जो डोर टू डोर कलेक्शन है उसमें अभी भी बड़ी अनियमितताएं हैं। पिछले दिनों में अपने जोन समीक्षा की बैठक में पार्षदों द्वारा ये बात लाई गई थी। आज भी कई स्थानों में जो बाल्टियां बांटनी जा रही थी अलग अलग सूखे कचरे गीले कचरे की वो नहीं बैठ पाई है। जो डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए वो डोर टू डोर कलेक्शन प्रारंभ उनकी गाड़ियाँ तो आ गई है किंतु 8:30-9 बजे उनकी गाड़ियाँ आती है। इस तरह से कई अनियमितताएँ आज भी है और इसकी सतत मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। डोर टू डोर कलेक्शन से निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था पर काबू पा सकते हैं किंतु इसकी सतत मॉनिटरिंग इसकी उचित मॉनिटरिंग और देख रेख से ही हम उसको ठीक कर सकते हैं। अन्यथा जो किवाड़ कंपनी का हुआ था वही इसका हाल ना हो जाए। लोग चाहते हैं कि हमको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, हमको अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में हमको नगर निगम अच्छी सुविधाएं दे और शहर की जनता चाहती भी यही है कि हमको अच्छी सफाई व्यवस्था हो, शुद्ध पेयजल हो, पर्याप्त रोशनी हो, अच्छी सड़कें हो और ये मूलभूत सुविधाएं यदि लोगों को मिल जाती है तो हमारे यहाँ की जनता खुश हो जाती है। सूत्र के मानबो तक कंपनी मल्ला छोटे छोटे गली में पहुंचे बर दिक्कत आवत है। टाटा एस गाड़ी में गली मन में नहीं जा पहुंचाते और रिक्शा हा अगर चल दी ही तो ओला निकले में 2-3 दिन लगते। निगम प्रशासन के कहना हवे कि कार्य के समीक्षा करे के बाद राशि ला दे जाही। अब देखना ये हो ही कि मिले फटकार के बाद राम की कंपनी हा कैसे काम करते। ब्यूरो रिपोर्ट देश टीवी। पुलिस बल कोती ले राजधानी ला छावनी बनाए के बाद घलो पुलिस परिवार के लोगन मन हा धरना स्थल पहुंच गए। भले ही ओखर मन के संख्या हा सैकड़ों मा रहीस फिर ओमन हा अपन जोश दिखाइस और उहां पहुंच के जम के नाराबाजी करीस। ए मौका मा पुलिस हा 150 ले ज्यादा पुलिस परिवार के सदस्य मन ला गिरफ्तार कर जेल भेज दीस। फोर्स के तगड़ा चौकसी के बाद मा पुलिस के परिवार मन हा राजधानी के लाखे नगर धरना स्थल मा पहुंच गए और सुविधा मन के मांगला करत हुए नारेबाजी करे लागिस। पुलिस हा उमल्ला तुरंत बस मा बैठा के जेल भेज दिस। पुलिस परिवार मन के संख्या हा करीब 150 ले ज्यादा बताए जाते। फिर पुलिस परिवार मन के ये धरना हा सांकेतिक ही रह गए काबर की जैसे तरह के प्रदर्शन के तैयारी करे रही से वैसे नहीं रही से। पुलिस प्रस्तावित धरना स्थल मा रोके बार पुलिस हा धरना स्थल ला छावनी मा तब्दील कर दे रही। उन्हें राजधानी के एंट्री पॉइंट संग बस स्टैंड रेलवे स्टेशन मा जवान मन ला घलो तैनात करे गए रहीस ताकि बाहर से आने वाला मनु पर नजर रखे जा सके। एकर बाद धोखा से चेहरा मा स्कार्फ बांध के महिला मन हा नारेबाजी करे लागिस और धरना स्थल मा पहुंच गए। वेतन बढ़ोतरी के मांग संग अन्य मांग ला लेके वो मन हा गृह मंत्री के खिलाफ नाराबाजी करे लागिस। पुलिस परिवार के आंदोलन के लिए धरना स्थल की अनुमति की मांग की गई थी प्रशासन द्वारा जिसकी अनुमति नहीं दी गई। बाद में सभी जिले के पुलिस अधिकारियों से पुलिस परिवार वालों से बात की गई और वो इसमें किसी प्रकार के आंदोलन में भाग नहीं लेने का आश्वासन दिया और आज किसी प्रकार का कोई आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल और कुछ समूह इस आंदोलन में भाग लेंगे ऐसी कल सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई थी तो उसके लिए ये फोर्स लगाया गया है एहतियातन।
पुलिस ह उमल्ला रोके के कोशिश घलो करिस। पुलिस के संग कुछ महिला मन के झुमा झपटी ह घलो होइस। पुलिस अफसर मन ह उमल्ला समझाइस दे के घलो कोशिश करिस, फिर ओमा नाकाम हो गए। ओमन ह बताइस हवे कि ओकर मन के मांग मा विचार करे जाथे। हमन आप मन ला बता देन कि पुलिस वाला मन के परिवार मन ह आंदोलन ला कांग्रेस और जोगी जनता कांग्रेस ह समर्थन करिस। ए मौका मा जहाँ कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष ह बाइक रैली मा धरना स्थल पहुँचे के कोशिश घलो करिस, फिर ओला आधा रास्ता में ही गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। उन्हें यही आंदोलन में जोगी जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता मन घलो सक्रिय रहीस। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। भारतीय रेल के मंशा के अनुसार मा रायपुर रेल मंडल हा अपन यात्री मल्ला आए दिन जागरूक करत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोती ले रायपुर स्टेशन मा समय समय मा सफाई अभियान चलाए जाते और संगे मा बायो टॉयलेट घलो लगाए जाते ताकि रेल परिसर मा साफ सफाई रहे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कोती ले रायपुर स्टेशन मा साफ सफाई और स्वच्छता अभियान समय समय मा चलाए जाते। रायपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर हा एकर बर अधिकारी मल्ला निर्देश दे रखे है। रेल परिसर और स्टेशन ला स्वच्छ रखे बर रेल यात्री मल्ला स्वच्छता बर घलोक जागरूक करे जाते। रेलवे स्काउट और गाइड के सदस्य मन कोती ले नुक्कड़ नाटक के माध्यम ले रेल यात्री मल्ला स्वच्छता के संदेश घलोक दे जाते। रायपुर स्टेशन में स्थित खान पान स्टॉल में साफ सफाई और स्वच्छता पर निरीक्षण कर रेल यात्री मन ले संवाद करे जाते। रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम तन्मय मुखोपाध्याय हा देश टीवी ले चर्चा के दौरान कहिस कि वह स्वच्छता पर निरंतर प्रयासरत है, जेखर सेती पिछले 2-3 बछर मा काफी सुधार घलो आए है। मंडल के बस स्टेशन मा मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के कॉन्ट्रैक्ट घलो दे गए है, जहां मशीन के माध्यम ले सफाई होते। मंडल कोतिले पर्याप्त मात्रा मा सफाई कर्मी घलो उपलब्ध कराए गए है, जो इन मन कचरा ला इकट्ठा कर निर्धारित स्थान मा ओला नगर निगम कोतिले जला दे जाते। मुखोपाध्याय हा कहिस के रेलवे मंडल हा सबले महत्वपूर्ण निर्णय ले है कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक कचरा ला अलग अलग कर नष्ट करे के प्रक्रिया ला अपनाए जाए पर जोर दे जाते। एकर बर कलर डस्टबिन के इस्तेमाल घलो करे जाते। संगे संग मुखोपाध्याय हा बताइस के यात्री मन ला जागरूक करे के घलो प्रयास करे जाही ताकि कचरे ला डस्टबिन में डाला जाए। एकर अलावा पटरी के सफाई बर नवा एप्रन ला चरणबद्ध तरीका ले उपलब्ध कराए के काम घलो चलते, काबर की पुराना एप्रन अब्बड़ गंदा हो चुके है। एकर अलावा नवा प्लेटफॉर्म नंबर 7 जेखर हाल ही में रेलवे बोर्ड कोती ले स्वीकृति प्रदान करे गए है, वो ट्रैक ला नवा एप्रन के रूप में विकसित करे जाही। एकर ले दो फायदा हो ही। पहला, बायो टॉयलेट लगाए जाते जेखर से ती मल नीचे नहीं गिर ही और जोन गिर भी जाही ओला आसानी ले जेट क्लीनिंग कोती ले साफ करे जा सकी। एकर ले न सिर्फ प्लेटफॉर्म बल्कि ट्रैक घलोक साफ हो ही। स्वच्छता के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि काफ़ी सुधार भी स्वच्छता में आया है। हम लोगों ने बड़े स्टेशनों पे मैकेनाइज क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, जहां पर मशीनों के माध्यम से सफाई हो रही है। सफाई कर्मी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको भी नगर निगम के निर्धारित जगहों पर जाके डिस्पोज किया करने का हम लोग काम कर रहे हैं। आगे हम लोग कुछ और विषयों पर जोर देंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा जो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है, उसको किस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने के बाद जो डिग्रेडेबल कचरा है उसको किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको सेफ तरीके से कैसे डिस्पोज करते हैं, ये आगे आने वाले समय में हमारा बहुत ही फोकस का मुद्दा रहेगा। इसके लिए हम लोग कलर कोडेड डस्टबिन प्रोवाइड करा रहे हैं, कराएंगे, और यात्रियों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह का कचरा है वो उस तरह की डस्टबिन में डालें। और एक चीज़ जो हम लोग अभी जोर देंगे वो है पटरियों की सफाई के लिए हम लोगों को वॉशेबल एप्रॉन चाहिए होते हैं, तो रायपुर में जो वॉशेबल एप्रॉन है वो पुराने हो जाने के कारण थोड़े से ख़राब हो गए हैं, तो उसमें जो है कचरा इकट्ठा हो जा रहा है। तो रायपुर के सारे वॉशेबल एप्रॉन्स को चरणबद्ध तरीके से बदलने का हम लोगों का प्रोग्राम है। इसके अलावा जो नया प्लेटफॉर्म 7 नंबर जिसकी स्वीकृति हाल ही में रेलवे बोर्ड से आई है उसको भी करने हम लोग करेंगे, और उसका जो ट्रैक होगा
उसको भी हम लोग नए वॉशेबल एप्रॉन के रूप में डेवलप करेंगे, ताकि इससे दो फायदे हैं। एक तो हम लोग बायो टॉयलेट्स लगा रहे हैं, उससे मलवा नीचे गिरेगा नहीं, और जो भी गिरता है उसको आसानी से हम लोग बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के जेट क्लीनिंग वगैरह के जरिए आसानी से साफ रखेंगे। हम आप मन ला बता दें कि रेलवे हा अब स्वच्छता ला लेके अब्बड़ सजग है। यात्री मन ला स्वच्छता के पाठ घलोक पढ़ाए जाते, ताकि ओमन हा सुरक्षित यात्रा सुगमता ले कर सके। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि नेताम के संग स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट।